السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pharaoh's Islamic Channel. ये पूरे चिल्लरां उल्लमा को ताबी मालूम डाला के तुम्हें पैजामा कनाडा ढंग से बनो जी, हजरत ढंग से बनो. उल्लमा को दावत क्या मालूम? बोलते नहीं बोलते. तुम्हारा टेस्ट लेने बैठे गदो तुम्हारी पैजामा भीगे से का टेस्ट लेती. लेकिन हमें छोड़ा ले सो तुम्हारे आड़े टेढ़े बयाना सुन 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 को सबर का वो टी 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 को हमारी क्या हालत छुड़ी है वो अल्लाह को मालूम. जबकि सबक पढ़ाते वक्त एक जबर जेर को बर्दाश्त नहीं करने वाले. तुम्हारा जबर जेर का आसमान को जमीन बताया, जमीन को आसमान बताया, फिर भी तुम्हारा बयान सुनकर हमने खामोश रहे. और तुम हदीस को कुरान बताए, कुरान को हदीस बताए, फिर भी हमने बर्दाश्त किया. तुमने तारीफ की जगह तौहीन की, तौहीन की जगह तारीफ की, फिर भी हमने बर्दाश्त किया. तुम्हारे हर आड़ी टेढ़ी बातों को हमने बर्दाश्त किया. क्यों? उम्मत ना कटे, दरगुजर करो पाप बेचारे अब्बा अल्लाह अल्लाह कर को. जैसे एलकेजी का बच्चा पोयम पढ़ता है तो हम सुनकर माशाल्लाह माशा, हालांकि वो पोयम गलत थी. बच्चा तुतनी जुबान से पढ़ता है तो माफ कर देते नहीं कर देते. इसी तरह वारिसी ने अंबिया उम्मत को माफ करते हुए आ रहे हैं. जो लोग अल्लामा समझते हैं उनको अपने आप को. मैं आधा डेढ़ घंटा, डेढ़ घंटे में 150 गलतियां निकालती. लोग शान से बोलते हैं मैं 4 घंटे बयान करते, तुम्हारे 4 घंटे बयान में 400 गलतियां निकालेंगे. मामूली चीज नहीं. मैं क्यों बोल रहा हूं? फिर भी इस उम्मत का सिराजा ना बिखरे. आज तक इन उलमाओं ने आपके बयान पर उंगली उठाया क्या? भाई बोलो. अरे बोलो भाई, उंगली उठाए? मैं भी नहीं उठाया. मेरे साथ भी, मैं भी जमात में जाता हूं बहुत. मैं साथियों को बोलता हूं, देखो जी तुम्हें बयान करो, मैं जरा दूर बैठ जाता हूं. क्यों? बाज मरतबा पारा चढ़ जाता है. पारा चढ़गा गो तो फिर तुम्हें लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते. इसलिए तुम्हें बयान करो, मैं जरा दूर बैठ जाता हूँ, जिक्र दुआ कर ले बैठ जाता हूँ, आराम से बैठ जाता. बोलना भी बोलते रहो, मैं वहां पब्लिक में नहीं रहता, वहां बैठ जाता हूँ. क्यों? ताकि ये साथी का दिल ना टूटे. अरे भाई बात समझ में आ रही नहीं?